दोस्तों, ये हमारा जो लकड़ी का साइज है तो इसका मोटाई तो 2 इंची है, इसके चौड़ाई जो कि 3 इंची, 3 इंच में थोड़ा सा हमने यहाँ पे जो कि देख सकती है रखा हुआ है। तो ये हमारा 1 इंची का है, ये चौड़ाई 8 इंची का है और इसकी मोटाई 1 इंची का। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने मार्किंग करने के लिए यहाँ पे हमने ये ले लिया हूँ। तो दोस्तों, हमारा टेबल का साइज़ जो कि 2.5 फीट ऊँचा होने वाला है और इसकी चौड़ाई जो कि 2 फीट का है और लंबाई यहाँ पे रोटर पे हमने बीट जो कि वो लगा दिया। हमने ये 8 mm का बीट है दोस्तों ये, और एक ये 2 इंची गहराई तक करता है एक बार में होल इसका। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो कि एक स्टडी टेबल बनाने वाला हूँ। तो चलिए, हम जो कि स्टडी टेबल बनाने के लिए कौन कौन से हमने लकड़ी जो कि वो तैयार किया है, तो चलिए हमें आपको जो कि देखो। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो कि सारे लकड़ियाँ रेडी करके रखा हुआ है। हमने पहले से कटिंग करके दोस्तों हमने इसको रेडी रखा हुआ था। तो दोस्तों, ये हमारा जो लकड़ी का साइज है तो इसका मोटाई तो 2 इंची है, इसकी चौड़ाई जो कि 3 इंची, 3 इंच में थोड़ा सा कम है, 200 तक कम है। तो रंडा मार लेने के बाद जो कि ये 3 इंची में आपका जो कि 2.5 इंची हो जाएगा, तो 2 बाई 2.5 इंची का हो जाएगा। तो सारे लकड़ी जो कि एक ही साइज़ का है, तो इसके पैर और साइड का फ्रेम जितने भी है ना, वो सारे एक ही साइज़ का लकड़ी से जो कि हम बनाने वाला हूँ। और इसके टॉप का फट्टा जो कि हमने यहाँ पे जो कि देख सकते रखा हुआ है। तो ये हमारा 1 इंची का है, ये चौड़ाई 8 इंची का है और इसकी मोटाई 1 इंची का। तो यहाँ पे जो कि 7 फीट का 3 पीस रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो कि स्टडी टेबल 2 बनाने वाले हैं। तो ये हमारा 8 इंची है, तो 2 फुट का चौड़ाई होने वाला है। दोस्तों, हमारा टेबल जो कि 2 फुट चौड़ा होगा और 3 फुट लंबाई होने वाला है। तो उसी के साथ हम जो कि ये रेडी कर रहा हूँ। और हमारा ये फट्टा तो 7 फीट का है, एक फीट को हमें काट के फेंकना पड़ेगा, हमें 6 फीट का ज़रूरत है। तो चलिए, अब इसको जो कि पहले हम रंडा वगैरह मारकर तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको फिटिंग वगैरह करने का काम भी करेंगे। तो चलिए, आप लोग बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो कि तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए इसको रंडा वगैरह मारने का काम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फाइनली जो कि सारे लकड़ियों को जो कि रन्ना मार के हमने पूरी तरह से साइज करके भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने कुछ इसे रख लिया, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो कि सारा रन्ना मार के तो हो चुका है कम्प्लीट, लेकिन अभी इसको जो कि मार्किंग लगाने का काम जो कि वो सारा रह गया है। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों, एक स्टडी टेबल का जो कि मार्किंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए, बिना देर के मार्किंग करने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने मार्किंग करने के लिए यहाँ पे हमने ये ले लिया हूँ। तो दोस्तों, हमारा टेबल का साइज़ जो कि 2.5 फीट ऊँचा होने वाला है और इसकी चौड़ाई जो कि 2 फीट का है और लंबाई इसके 3 फीट का। तो चलिए, फटाफट इसको मार्किंग वगैरह करने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों, एक टेबल का जो मार्किंग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग जो लगाया दोस्तों, ऊपर साइड में हमने जो कि 3 इंची में 200 तक कम में लगाया है। 200 तक कम यानी कि दोस्तों 2.5 इंची है हमारे जो रन्ना मार्किंग ना, 2.5 इंची हो चुका है। तो ऊपर में हमने 2.5 इंची में मार्किंग लगाया है और नीचे में जो कि हम एक बीट लगा रहे हैं, तो नीचे से हम 6 इंची ऊपर जो कि वो बीट लगा रहे हैं और हमने यहाँ पे जो उससे मार्किंग जो है लगा के हम तैयार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के फट से हम इसको मार्किंग वगैरह करके पूरे से कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग बने रहेगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फाइनली जो कि जो हमारा टेबल बना रहे थे, हमने टेबल का सारे मार्किंग लगाए पूरे सामने जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ऊपर साइड में हमने ये 2.5 इंची में मार्किंग लगाया है और इसके नीचे साइड में जो कि हम नीचे से 6 इंची छोड़ के हमने यहाँ पे 2.5 इंची पे निशान जो कि वो लगा दिया है। तो हमारा फाइनली मार्किंग लगा सारे के सारे हो चुका है पूरे से कम्प्लीट। तो अभी इसके जो कि होल वगैरह करने का काम जो कि वो सारा रह गया है। तो चलिए, अब बिना देरी इसके फटाफट से होल भी करते हैं और उसके बाद इसके आल भी कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे होल करने के लिए यहाँ पे रोटर पे हमने बीट जो कि वो लगा दिया। हमने ये 8 mm का बीट है दोस्तों ये, और एक ये 2 इंची गहराई तक करता है एक बार में होल इसका। तो चलिए, अभी हम इसको होल करने का काम शुरू करते हैं। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों, एक रोटर मशीन से जो कि लकड़ियों को होल किस तरह से किया जाता है, यानी कि विंडो पल्ला हो या टेबल फ्रेम कुछ भी अगर होल करते हैं तो वो रोटर मशीन से किस तरह से होल किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे होल कर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से देखिए। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है इस तरह से जो कि होल करने के लिए रोटर मशीन से। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो कि इसको होल कर रहा हूँ कुछ इस तरीका से। तो ये देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों इस तरह से होल करने के लिए। देखिए फटाफट से हमारा होल करके हो चुका है तैयार। अभी हम इसके नीचे साइड में हम होल कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो हमने दोस्तों इसके लकड़ी का साइज़ जो कि हमने ये पेयर में हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, 2 इंची मोटा है और 2.5 इंची में थोड़ा सा कम है, तो साइज़ करके थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो चलिए इसी तरह से सारे होल करके कम्प्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जो कि इसका हम असेंबल करने का काम भी वो शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहेगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो कि फाइनली सारे होल करके जो कि पूर्ति से हमने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने कंप्लीट करके यहाँ पे रख लिया है। और अभी दोस्तों हमारा जो कि ये आलू बुरा कटिंग करने का काम जो कि वो सारा रह गया है। तो हमने यहाँ पे आलू कटिंग करने के लिए अभी मार्किंग जो वो लगा के रखा हुआ है ये वाला, देख सकते हैं। तो आप चले बिना देरी के इसके आलू जो कि वो कटिंग करके कम्प्लीट कर लेते हैं, आलू कटिंग करके कम्प्लीट करके फिर उसके बाद जो कि इसका फिटिंग करने का काम भी वो करते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो कि फाइनली इसके आलू वगैरह सारे कटिंग करके कंप्लीट कर लिया है और हमारा होल भी करके हो चुका है सारे कंप्लीट। तो दोस्तों अभी हमारा रह गया इसको असेंबल करने का। तो चलिए अब दोस्तों बिना देरी के इसके असेंबल करने का काम शुरू करते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं हमने फाइनली एक टेबल को असेंबल करके हमने कंप्लीट कर लिया कुछ इधर से देख सकते हैं। तो हमने इसमें अभी सिर्फ असेंबल करके रखा है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से अभी किल्ली वगैरह मारा नहीं है, तो हम इसको अच्छी तरह से जो कि टाइट करके हम इसको किल्ली वगैरह मारेंगे। तो अभी हमने सिर्फ इसको असेंबल करके रखा है, तो हमारा ये एक पीस तो असेंबल कर लिया, तो आपके लिए दूसरा वाला जो है दूसरा वाला भी असेंबल करते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने फाइनली जो कि दोनों टेबल के फ्रेम को असेंबल करके कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके जो कि टॉप वाला पट्टा जो कि वो लगाने का लिए रह गया है, तो हम इसको टॉप का पट्टा किसी और दिन ही लगाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था, तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जगह तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।